रमेश त्रिपाठी हूँ, वर्कर आओ यूं और आनंद सके वाइस प्रेसिडेंट उदरमान गिरी सर, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन सर, आज इस बड़े पेचीदा हालात से समझान अपेक्षित बड़ी खुशी गए तमाम पीडर हजरात तम वर्कर हजरात बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि मैं कहती हूँ तमाम जो हमारे सेंट्रल एशिया साउथ एशिया में हमारे ममालिक है, चीन है, बाकी मुल्क है, आप कदल बनो, ये अमन का पुल बनना चाहिए। ये जो सात कंट्रीज का जिन सात कंट्रीज पानी हुई छे अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल अफगानिस्तान तो शायद तमाम ये जो ममालिक है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर गए मॉडल बन सार पानी ऐसे। आपको लगता है कि पॉलिटिकली एक रास्ता है हथियार के बिना पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें इस वक्त तो बंदूक के खिलाफ माहौल है, जो अच्छा आवाज कम तहरीक जिसमें बंदूक शामिल हो जाता है वो हमेशा नाकाम होती है। तो इसलिए अगर हमने अपनी तहरीक को चलाना है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से हम संजीदा हैं तो हमें बंदूक को तर्क करके जमुई रास्ता अपनाना चाहिए और दोनों मुल्कों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मजबूर करना चाहिए बातचीत के लिए। तो बहुत खराब है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बंदूक उठाते हैं और शायद कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर जम्मू कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाएं और हम दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्द हैं, इनका कोई मसला नहीं है। इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ बार बार जवानों से बंदूक में अपनी जान मत गवाओ बल्कि एक जमहूरी तरीके से बात करो। आज नहीं सुनेंगे कल नहीं सुनेंगे मगर आखिरकार दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ के लोगों की बात सुन के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना पड़ेगा। ये जो रोज नई नई पॉलिसीज आती है डायरेक्टली दिल्ली से आती है, उनको लगता है अगर यहाँ इलेक्टेड सरकार बन गई तो शायद दिल्ली की मुदाखलत इस हद तक नहीं रहेगी, इसलिए वो इलेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं।